अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 to क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सारे सबक क्लास 3 के कम्प्लीट कर दिए थे। उसके बाद लास्ट वीडियो हमारा सिंधी की बुक क्लास 4 में चैप्टर 2 था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसे सिंधी में सबक टेयून पढ़ते हैं, कहते हैं। सबक का टाइटल है आज हमारे पास मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर। मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर जो है एक इंसान का नाम है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि वो कौन थे। मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर टंडे बागी में जन्म वर्तो। मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर टंडे बागी जो एक जगह का नाम है वहाँ पैदा हुए, ठीक है। तालीमी ए समाजी खिदमतन जे करे, तालीमी और समाजी खिदमतों की वजह से संदस नालो सिंध में वड्डी इज्जत एहतराम सान वर्तो वींदो आही। तालीमी और समाजी खिदमतों की वजह से, खिदमतें करने की वजह से उनका नाम सिंध में बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। मीर साहब पान वड्डे जागीदार होंदे बा पेंजो वक्त फकीरी एं गरीबी में गुजारिंदो हो। मीर साहब जो है ख़ुद एक बड़े, एक मतलब बड़े जागीदार कहते हैं ज़मींदार को, एक बड़े ज़मींदार होने के बावजूद भी अपना वक्त फकीरी और गरीबी में गुजारते थे। माल मिल्कियत जी पैदाइश जो वड्डो हिस्सो गरीबन आई मिस्कीनन की खैरात तौर देई छड़िंदो हो। मतलब माल मिल्कियत, वो ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनों पे जो अनाज उगता था, जो फसल तैयार होती थी, उसका एक बड़ा सा हिस्सा वो गरीबों और मिस्कीनों को खैरात के तौर पर दे देते थे। दुनिया जे लाड़न छाड़न माँ लंगर करी केस गरीबन जी हालतन जी घड़ी खबर आई। दुनिया के उतार चढ़ाव से गुज़र कर उन्हें गरीबों और गरीबों की हालत का बहुत ज़्यादा खबर हुआ, फिक्र हुई। इन्हें करे केस ख्याल थियो ता सिंध में गरीबन ऐं मिस्कीनन जी बारन के तालीम डियारन जो बंदोबस्त कजी। इसीलिए उन्हें ख्याल आया कि सिंध में जो गरीब और मिस्कीन हैं उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दिया जाए, उनको तालीम दिया जाए। इन्हीं इरादे सां हुन पेंजी घोट टंडे बागी में पेरीन हिक नंडो अंग्रेज़ी स्कूल कोणन जो बंदोबस्त कयो। इसी इरादे के साथ उन्होंने अपने गांव, घोट कहते हैं गांव को, अपने गांव टंडे बागी जिसका नाम है, में पहला एक छोटा अंग्रेज़ी स्कूल कायम किया। इन सा गड बोर्डिंग हाउस बा खोलियान, उसके साथ साथ इन्होंने एक बोर्डिंग हाउस भी खोला। बोर्डिंग हाउस कहते हैं जहाँ तलबा रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। जिनन मा शागिर्दन के कादो पीदो मुफ्त डेन जो बंदोबस्त किया। उस बोर्डिंग स्कूल में जो शागिर्द रहते थे, जो स्टूडेंट्स रहते थे, शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट्स को, तो वहाँ उन्हें मुफ्त खाना पीना दिया जाता था मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर की वजह से। कुछ अरसे का पोए शेर जी बाहरन हाई स्कूल एं हॉस्टल लाए हिक आलीशान इमारत जोड़ाएं। कुछ अरसे के बाद उन्होंने शहर के बच्चों के लिए भी हाई स्कूल और हॉस्टल बनाने के लिए एक आलीशान इमारत बनाया। फिर से पढ़ेंगे। कुछ अरसे का पोए शहर जी बाहरन हाई स्कूल एंड हॉस्टल लाए एक आलीशान इमारत जोड़ाएं। कुछ अरसे के बाद उन्होंने शहर के बच्चों के लिए भी हाई स्कूल और हॉस्टल बनाने के लिए एक आलीशान इमारत बनाई। जिते बेन सागड गरीब हारियन जे बारन के ब आणी तालीम डियारन। उस
जहाँ पे दूसरों के साथ साथ गरीब हारी जो होते हैं उनके बच्चों को भी लाके तालीम दे दिलवाते थे। ओह स्कूल अज ताई कायम आही अमीर गुलाम मोहम्मद तालपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल जे नाले सा मशहूर आही। वो स्कूल आज तक कायम है और मीर गुलाम मोहम्मद खान मोहम्मद तालपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। मीर साहब एक रहमदिल और दीनदार इंसान हो। मीर साहब एक रहमदिल और दीनदार इंसान थे। सर जे मौसम में जिडन लाड़ में मौसमी तब पकड़ जीविंदो हा तदन हो पेंजे खर्च सा डॉक्टर घुराई 6 महीना गरीबन जो मुफ्त इलाज कराइंदो हो। सर कहते हैं खिजा के मौसम को, खिजा के मौसम में एक मौसमी मतलब एक रूल होता था कि मौसम में खिजा में एक वायरस जैसा जो बुखार होता था वो लाजमी आता था इन्हीं मौसम में, खिजा के मौसम में। तो उस मतलब वो वहाँ के लोगों को ये बुखार होता था तो वो अपने खर्च से अपने पैसों से उन्होंने एक डॉक्टर बुलवाया और वो 3 महीने तक गरीबों का मुफ्त इलाज वहाँ पे करवाते थे। मतलब ये बुखार 3 महीने तक इसी एरिया में होता था। मीर साहब जनानी तालीम एम सेहत लाए बा ख़ास बंदोबस्त कयो। मीर साहब ने ख़वातीन के तालीम के लिए भी ख़ास बंदोबस्त किया, ख़वातीनी तालीम के लिए भी ख़ास बंदोबस्त किया। जनानी तालीम कहते हैं ख़वातीन के तालीम को। टंडे बागी में छोकरियन जी तालीम लाए स्कूल खोलाएन। टंडे बागी जो उनका अपना गांव था वहां पे उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए भी स्कूल खोला। छोकरियन कहते हैं लड़कियों को। जालन जी इलाज लाए हिक डॉक्टर यानी रखियाइन और औरतों के इलाज के लिए एक डॉक्टर यानी रखी। डॉक्टर यानी रखी मतलब एक जो लेडीज़ डॉक्टर होता है वो रखा। एन वेम घर भी कायम किया। एन वेम घर कहते हैं आप क्लिनिक भी कह सकते हैं कि या कोई भी ऐसी जगह जहां जान और माल की हिफाजत की जाए उसे वेम घर कहते हैं। वहां एक वेम घर भी उन्होंने बनाया। एड़ी तरह लिक छुप माँ भलाई जब या अनेक कम किया आहिन। इसी तरह उन्होंने छुप छुपा कर भी भलाई के बहुत सारे ऐसे काम किए। मतलब ये जो काम थे ये सबको पता है कि इन्होंने ये काम किए हैं लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो उन्होंने किसी को ना बता के भी किए हैं छुप छुप के अच्छे और भलाई के काम। अंग्रेज़ सरकार सुंदर खिदमत जो कदर कई केस खान बहादुर जो लकब डिनो। अंग्रेज़ों की इस वक्त हुकूमत थी तो अंग्रेज़ी सरकार ने उनकी ये खिदमत देख कर के उन्होंने लोगों की इतने खदरों की खिदमत की है तो उन्होंने इस बात की कदर करते हुए उनको एक लकब दिया खान बहादुर का। ठीक है। हिन नेक ऐं सखी मर्द सन 1932 ईस्वी में वफात कई। इस नेक और सखी इंसान सखी मर्द ने 1932 में वफात किया। हर साल टंडे बागी में संदस वर्सी मलाई वींदा आहिन। हर साल टंडे बागी यानी कि उनके अपने शहर में उनके अपने गोठ में उनकी आज तक बरसी मनाई जाती है। अब यहाँ एक्टिविटी करेंगे मश्क जिसे कहते हैं। मश्क में फर्स्ट एक्टिविटी है अलिफ हेटियन सवालन जा जवाब दियो। ये जो नीचे सवाल लिखे गए हैं उनके जवाब देना। फर्स्ट क्वेश्चन है मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर कितने जन्म वर्तो। मतलब मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर कहाँ पैदा हुए तो कितने को हटा के हम लिखेंगे टंडे बागी। मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर टंडे बागी में जन्म वर्तो। हो केड़े ख़ानदान सा ताल्लुक़ रखंदो हो वड्डे जागीदार तालपुर ख़ानदान सा ताल्लुक़ रखंदो हो। ये मैंने यहाँ लिख दी है कॉपी में आपको यहाँ से समझा देती हूँ। मैं आपको इसलिए बुक में दिखा रही थी कि फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है। फिर से पढ़ेंगे मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर कितने जन्म वर्तो। मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर टंडे बागी में जन्म वर्तो।
हो केड़े खानदान सा ताल्लुक रखंदो हो वड्डे जागीदार तालपुर खानदान सा ताल्लुक रखंदो हो हुन गरीबन जे बारन लाए तालीम जो छो बंदोबस्त कयो। इसका मतलब है उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त क्यों किया। छो का मतलब है क्यों, छा होता तो मतलब क्या होता क्या किया, लेकिन छो है इसका मतलब है क्यों किया। हुन गरीबन जे हालतन जी घणी खबर हुई इन्हें करे गरीबन जे बारन लाए तालीम जो बंदोबस्त कयो। हुन खेड़ा खेड़ा खैर जा कम किया हुन गरीबन ए मिसकिनन की खैरात दई गरीबन जे बारन लाए तालीम जो बंदोबस्त कयो। आई स्कूल हॉस्टल मुफ्त खाधो पीधो मुफ्त इलाज जनानी तालीम ए सेहत लाए डॉक्टर यानी रखियाइन ए बिया अनेक खैर जा कम कियाइन। इसका जवाब यही है। अंग्रेज़न हिन के कहड़ो लकब दिनो, अंग्रेज़ों ने उसे उन्हें कहड़ा लकब दिया कौन सा लकब दिया। अंग्रेज़न हुन के खान बहादुर जो लकब दिनो, अंग्रेज़ों ने उन्हें खान बहादुर का लकब दिया। इसकी उर्दू पढ़ना भूल गई थी, फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने गरीबों और मिसकिनों को खैरात दिया, गरीबों के बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया, हाई स्कूल खोला, हॉस्टल मुफ्त खादो पीदो मतलब मुफ्त खाना पीना, मुफ्त इलाज, ख्वातीन के लिए तालीम और सेहत के ख्वातीन के सेहत के लिए डॉक्टर रखा, और इसके अलावा बहुत सारा खैर का काम किया। एक्टिविटी करेंगे। क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे बे। डंगी माँ लफ्ज़ चवंदी सही जवाब दिनो, मतलब ये खाली जगह ही है लेकिन इनमें चूज़ करना पड़ता है जिसे एमसीक्यूज़ होते हैं। ये डंगी कहते हैं इस मतलब ब्रैकेट में जो अल्फाज हैं उनमें से चुनकर सही जवाब यहाँ पे देना है। टंडे बागी जे बाहरन देश कायम क्याइन, क्या कायम किया है, हाई स्कूल ठीक है, अस्पताल मुसाफिर खाना या हाई स्कूल, मतलब टंडे बागी जो जगह है वहाँ पे उन्होंने क्या कायम किया, वहाँ पे उन्होंने स्कूल कायम किया, हाई स्कूल कायम किया ठीक है। मीर साहब बड़े जागीदार होंदे बा देश वारी ज़िंदगी गुजारिंदो हो, मीर साहब जो है एक ज़मींदार होने के बावजूद कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह की, गरीबी की ज़िंदगी, तवंगरी की, शान शौकत की, गरीबी की ज़िंदगी। देश अब देश कह सकते हैं, देश खिदमतन करें सा नालो वड्डी इज्जत एहतराम सा वरतो वींदो आहें, मतलब क्या करने के बाद उनका नाम जो है सिंध में इज्जत से एहतराम से लिया जाता है, समाजी तालीमी एंड समाजी खिदमत करने के बाद या सियासी एंड अदबी, तालीमी एंड समाजी राइट आंसर यही है। खिदमतन करें संदस नालो वड्डी इज्जत एंड एहतराम सां वरतो वींदो आहें, मीर साहब देश जो पण बंदोबस्त कयो, मीर साहब जनानी तालीम जो पण बंदोबस्त कयो, मीर साहब ने जनानी तालीम के लिए बंदोबस्त किया। हेटियन लफ्जन जिद लिखो, इनके जिद लिखते हैं, इज्जत का होगा जिल्लत, फकीरी का अमीरी, हारी का जागीदार, सर ओ कहते हैं मौसम खिजा को तो उसका आएगा बहार। डंगे मलफ चवंदी खालपुरी, फिर से खाली जगह है एमसीक्यूज़ वाले ठीक है। टंडो बागो देश ज़िले जो है तारीखी शहर आई, टंडो बागो जो है किस ज़िले का शहर है, वो बदीन ठट्ठो या सक्कर, बदीन का एक शहर है, बदीन ज़िला है और शहर टंडो बागो है। मौसमी तप देश जो मौसम में पकड़ियो आहीं, बहार जो मौसम में, सियारे जो मौसम में या सर ओ जो मौसम में, सियारे कहते हैं ठंडे को, ठंड को जिसे हम कहते हैं सर्दी, सर्दी को कहते हैं, तो हम इसमें से चुनेंगे सर जो मौसम में, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं मतलब ख़िज़ा के मौसम में ये मौसमी बुखार आता था। मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर जो नालो देश खिदमत गुजारों में शुमार थे, तो यानी कि मीर गुलाम मोहम्मद ख़ान तालपुर का नाम
किस तरह के खिदमत गुजारों में शामिल होता है, तालीमी, सियासी और अदबी। तालीमी, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।